अभी तुम्हारी कौन सी क्लास थी? अच्छा, मैथ। मैथ्स में क्या चल रहा है? क्वेश्चन कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है, देखो क्वेश्चन से ही यार चैप्टर रिवाइज करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है तो चैप्टर पढ़ा पाए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसके हम पी वाई क्यू जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हेलोरिन हेलोरिन चैप्टर के अंदर पी वाई क्यूज करेंगे। तो भैया देखो, पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे आ चुका है, अब आएगा। पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 मेंस में। ठीक, और क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सारे आंसर देंगे इसका। जहां तक कह रहा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स फॉर द SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत हलवा टाइप का क्वेश्चन है, पढ़ाउट कर दो। क्या कह रहा है, पहला तो मैं दे रखा बेटा CH3CH, अच्छा रुको, जैसे लिखा वैसे लिख देते हैं। ठीक है, CH3CH ब्रैकेट में Cl, देन उसके बाद CH2CH3। एक तो ये क्वेश्चन दे रखा भैया, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि CH3 देन CH2 देन CH2 देन CH, एक ये क्वेश्चन दे रखा है। तीसरा क्या कह रहा है, पी लिखा हुआ है, पी का मतलब तुम्हें पता ही होगा कि H3CO, और बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है C6H4, यहाँ पे लिखा हुआ है CH2CO। ये तीन ऑप्शन तुम्हें दे रखे हैं, मतलब ये तीन तुम्हें कंपाउंड दे रखे हैं, और इनमें तुम्हें ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि थर्ड देन सेकेंड देन फर्स्ट। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो, बताओ थर्ड सी वाला क्या कह रहा है, फर्स्ट देन थर्ड देन सेकेंड, और D1 इज कि सेकेंड देन थर्ड देन फर्स्ट। चलो करो भैया इस क्वेश्चन को सब लोग जल्दी से। सर आपने थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा है, रिपीट करना। पहला फर्स्ट है, फिर थर्ड है, फिर सेकंड, थर्ड क्वेश्चन में थर्ड लिखा, ये पैरा पैरा पोजीशन दी हुई है, ये जैसे C6H में क्या लिखा है, C6H4 लिखा हुआ है, C6H, बताओ भाई SN1 में रिएक्टिविटी पूछी गई है, तो तुम बता दो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। आंसर दो बेटा, अर्पणा मानसी अक्षिका आंसर दो फटाफट। अमित हर्ष काव्य बताओ क्या आंसर होगा, मानसी वैशाली बताओ बेटा। यार ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, हम आज तुम लोगों के लिए एडवांस क्वेश्चन मिला है, तुम लोग इसे करने में इतना टाइम लगा रहे हो। चलो अर्पणा और काव्य का आंसर आ चुका है। अच्छा ठीक है, ठीक है, और लोग को बताना चाहेगा, एरी का आंसर आ चुका है, तीन बच्चों ने आंसर दिया है, बस इतना काफी है, बाकी अब कोई दे चाहे ना दे। अच्छा एक बच्चे का और आ गया, अक्षिका का और वैशाली का आ गया, तो सबने ही सही आंसर ऑलमोस्ट दे दिया। देखो भैया सीधी सी बात है, हैलाइड हटाओ कार्बन कैटायन बनाओ, तो पहले वाले केस में क्या हो जाएगा कि CH3, और इस वाले कार्बन पे तुम्हारा हैलाइड लगा हुआ था है ना, यहाँ पे CH
CH2 और यहाँ पे CH2। जब तुम यहाँ से हैलाइड हटाओ तो कार्बो कैटायन वाला बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो इस पे क्या देगा, पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, ये 2 डिग्री है। यहाँ से क्या करेंगे, इससे हैलोजन हटाएंगे तो 1 डिग्री कार्बो कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तुम्हें पता होगा, ये आसान से है ना, ये तुम्हारा 1 डिग्री कार्बो कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये 1 डिग्री है। और बेटा इस वाले में अगर तुम देखो तो C6 का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास 6 कार्बन है, ठीक है। और Cl जब तुम यहाँ से Cl हटाओगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, CH2, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव और ये बेंजीन। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे चौथे कार्बन पे लगा हुआ है OCH3, लगा है। अब तुमसे क्या कह रहा है कि भैया देखो, अगर तुम्हारा ये वाला कार्बोकैटायन कौन सा, ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है। देखो एक चीज समझो, ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है, ठीक है। और एक होता है जो बेंजीन के ऊपर ही कार्बोकैटायन लगा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बेंजीन के अगर कार्बोकैटायन ऊपर लगा हुआ है तो वो अनस्टेबल फॉर्म हो गया, बट ये तो मोस्ट स्टेबल हो गया। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, यही वाला होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल भी यही, ठीक है। तो यानी कि अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड वाला सबसे ज्यादा, देन कौन सा आ जाएगा, सेकेंड वाला, देन आ जाएगा फर्स्ट वाला। भी मैच कर लो किसमें आ रहा है, तो ये बच्चे वाला आ रहा है, सबने ही आंसर बी वाला दिया है, तो बिल्कुल सही है, यही आंसर आ रहा है, ठीक है। ये तो अगला क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, हमने पहले कह दिया था कर लो तुम लोग। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, अगला वाला, ठीक है। कब आया है, 2017 मेंस में ही आया हुआ है, ठीक है। एंड क्वेश्चन इज कि तुम्हें ए पार्ट दिया हुआ है, ये जैसे हम क्वेश्चन लिखे तुम लोग लिखना चालू कर देना, ठीक है। अब और यहाँ पे बेटा ये ओ दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी आर दिया हुआ है। बी वाले में ऐसे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी आर, और इधर क्या दे रखा है, इधर सी सिक्स एच फाइव दिया हुआ है। सी की अगर बात करें तो पहले वाले में बेंजीन रिंग नहीं है, ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, ये ओ, ये बी आर। डी वाले में तुम्हें ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, हम पढ़ देते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉन ट्रीटमेंट विद टर्ट बी यू ओ लिक्विड, जरा सी देर लगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉन ट्रीटमेंट विद टर्ट बी यू ओ एन ए, अगर तुम्हें इसका काम पता है तो बता दो। कह रहा है फॉलोड बाई एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, ऑफ ब्रोमीन वाटर, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा फेल्स टू डी कलराइज द कलर ऑफ ब्रोमीन। क्वेश्चन को पढ़ लो और बताओ क्या आंसर है। अब हम फिर से पढ़ देते हैं, ठीक है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉन ट्रीटमेंट विद टर्ट ब्यूटिल, ये टर्ट लिखा हुआ है, टी आर टी, टर्ट ब्यूटिल ओ एन ए लिखा हुआ है, फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर फेल्स टू डिकलराइज द कलर ऑफ ब्रोमीन, करके दिखाओ जाना क्वेश्चन, बताओ। आता है किसी को, करके देखो जल्दी सब लोग, क्या आंसर होगा इसका। आसान सा बढ़िया सा क्वेश्चन है, बताओ। बताओ भाई किसी से होगा कि नहीं होगा, वैशाली, अक्षिका,
एरी काव्य आंसर बताओ अर्पणा। चलो कौन सा आता है बी। बच्चे बी बता रहे हैं। और कोई कुछ बताना चाहेगा? देखो हमने तुम लोगों से अभी जब हम पेपर देके आए थे तो हमने तुमसे कहा था कि यार टेलीग्राम से नोट्स चुरा लो, चुरा क्या लो मतलब कोचिंग वाले डालते हैं तो हमारे चैनल के मिल जाएंगे या अपने अवंती वाले उठा लो कहीं से देख लो। उसमें तुम क्या करो कि तुम एक बार रिएजेंट सारे याद कर लो, ठीक है? अगर रिएजेंट नहीं याद कर पाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो पहले देख के समझो, अगर ये जो तुम्हारे पास जितने भी मॉलिक्यूल है, अगर ए लो चाहे बी या कोई भी हटाओ, ये सब हटाओ, मान लो कोई रिएक्टेंट है अपने पास, कोई भी रिएक्टेंट है, अगर बेटा तुमने इसकी रिएक्शन, अगर तुमने इसकी रिएक्शन किससे करा दी, सी ब्यूटॉक्साइड से करा दी, मतलब अगर तुमने इसकी रिएक्शन बी यू ओ निगेटिव से करा दी, एन ए पॉजिटिव तो अलग ही, उस हटाई दो, ठीक है? तो ये करता क्या है बेटा, ये बल्कि बेस है, क्या है ये बल्कि बेस, बल्कि बेस, या फिर क्या तो ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है? ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक? स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या होता है बेटा, इलिमिनेशन रिएक्शन देना। ये क्या करेगा, ये तुम्हें इलिमिनेशन रिएक्शन देगा, इलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा। अब इलिमिनेशन रिएक्शन अगर देगा तो ऑब्वियसली बात है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो तुम्हें एक्चुअल बस देखना क्या है, पहले तो पूरी बात समझ लो, और फिर जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तुम उसकी रिएक्शन बी आर टू वाटर से कराओगे तो क्या करेगा, कुछ को कलराइज कर देगा, कुछ को सॉरी किस कुछ क्या करेगा डीकलराइज कर देगा, ठीक है? फेल्स टू डीकलराइज, मतलब अगर कलर चेंज नहीं हुआ BR2 मिलाने पर, अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो मतलब फेल्स हो गया, अगर कलर चेंज हो गया तो डीकलराइज हो जाएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्मेट है, मतलब कहने का ये तुम्हें एल्कीन ढूंढना है कहां पे नहीं बनेगा, कहां पे एल्कीन नहीं बनेगा तुम्हें ये ढूंढना है। तो भैया देखो सीधी सी बात है, तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप या कहते जो भी सब्स्टिट्यूएंट है जिस कार्बन पे लगा है उस कार्बन से डायरेक्ट कार्बन जो जुड़ा होगा। अर्पणा का आंसर आ गया, वैशाली का आंसर आ गया, मेरी बात अब सुनो, सारे के सारे आंसर गलत दे रहे हो। सब्स्टिट्यूएंट तुम्हारा जिस कार्बन से लगा है वो डायरेक्ट किसी कार्बन से जुड़ा होता तो उसे अल्फा कार्बन बोलते, तो क्या इसके पास कोई अल्फा कार्बन है? नहीं है। तो बेटा अगर इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा ही नहीं, यही तुम्हारा आंसर हो गया, खत्म। आगे देखो इस कार्बन को, देखो इस कार्बन से अल्फा कार्बन कितने जुड़े हुए हैं, एक तो ये जुड़ा हुआ है एक खुद ये जुड़ा हुआ है, तो इसके दो हाइड्रोजन है, मतलब क्या होगा, मतलब ये एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, ऑब्वियस सी बात है। H और यहाँ से BR निकल के यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आया। ऐसे इस पे देखो ये तुम्हारा कौन सा कार्बन हो गया अल्फा, ये कार्बन हो गया, इससे कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, ये वाला हो गया, तो इसके पास भी तीन हाइड्रोजन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताओ, इसके पास बेटा तीन हाइड्रोजन होंगे और ये कौन सा कार्बन अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे आके यहाँ से BR निकलेगा, यहाँ पे भी एल्कीन बन जाएगा। इस पे देख लो ये कार्बन और इससे कौन सा कार्बन अल्फा हो गया, ये वाला, ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे भी आएगा यहाँ पे भी एल्कीन का फॉर्मेशन आएगा, मतलब बी में सी में और डी में तीनों में अल्फा कार्बन बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, सिर्फ एल्कीन का फॉर्मेशन कहाँ नहीं होगा, ए वाले में नहीं होगा, तो ए इज द राइट आंसर। सबने आंसर गलत दिया इसका, एक सेकंड रुकना बेटा। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो गए, पहले मेरी बात सुनो, पी बी यू ओ निगेटिव का तुम्हें काम पता चलना, पता होना चाहिए, बल्कि बेस है, बल्कि बेस कहते हो, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हो, इसका काम होता है एलिमिनेशन रिएक्शन देना। अब अगर ये एलिमिनेशन रिएक्शन देगा तो तुम अगर इसकी आगे फर्दर रिएक्शन बी आर टू वाटर से कराओगे तो क्या करेगा, जो भी मॉलिक्यूल में कलर प्रेजेंट है ये उसे डीकलराइज कर देगा, तो अगर करेगा तभी जहां पे एल्कीन होगा। डीकलराइज का मतलब क्या होगा, अगर तुम्हारे पास कलर है और कलर वैसे का वैसे ही रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो फिर तो मतलब नहीं करा उसने तो फेल हो गया, और अगर कलर को डीकलराइज कर दिया तो मतलब ये क्या कर रहा है, वो टेस्ट दे रहा है, ठीक है? BR2 के साथ क्या कर रहा है, टेस्ट को शो कर रहा है। तो हमें बस ये देखना था कि इस पूरे मॉलिक्यूल में कहां पे इलिमिनेशन रिएक्शन कहां पे नहीं होगी। अब तुम्हें बता दो इलिमिनेशन रिएक्शन बेटा वहां पे नहीं होती जहां पे अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अल्फा हाइड्रोजन कहां पे नहीं है, इस वाले मॉलिक्यूल में, क्योंकि इससे डायरेक्ट कोई कार्बन जुड़ा ही नहीं है। जब इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, इस वजह से ये तुम्हारा सही आंसर हुआ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, तुम लोगों ने किसी ने भी ये आंसर नहीं दिया। वैशाली ने बी दिया, अर्पणा ने सी दिया और अक्षिका ने बी, एरी ने बी नहीं, ये तो एरी ने पहले वाले का बी दिया था, सॉरी।
ठीक है? यस बताओ, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा क्वेश्चन था यार, ये लोग तुम लोग नाम देख के डर जाते हो कि 2017 में तो गड़बड़ कर देंगे। आराम से भैया, दिमाग तुमने सब पढ़ रखा है। हम तुमसे फिर से कह दे रहे हैं, अगर बेटा अभी नहीं करा है और अगर तुम ऑर्गेनिक का सोच रहे हो, अब एक बार बताओ, तुम कुछ सोच के देखो, तुमने हेलो एल्केन हेलोनिन पूरा चैप्टर रट रखा होगा, तुमने ये क्वेश्चन ना पता कैसे लगाते? ऑर्गेनिक जो है वो तुम्हारे रटने से क्वेश्चन नहीं लगेगी, वो क्वेश्चन पता कब लगेंगे तुम्हें, जब अपना खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना पड़ेगा, तुम्हें जब ये याद होगा कि TBUO नेगेटिव क्या है, इसका काम क्या होता है, कौन सी रिएक्शन शो करता है, ये जब चीजें याद करोगे, ये क्या है, ये रिएजेंट है। हम तुमसे 20 बार बोल चुके हैं रिएजेंट बेटा याद कर लो। हम लोगों ने हेलो एल्केन, उससे पहले कौन सा चैप्टर था, हाइड्रोकार्बन, उसमें भी तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन थे, चैप्टर आ ही नहीं रहते। अब बताओ, ये पूरा चैप्टर पढ़ के भी तुम क्वेश्चन लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे? तुम छोड़ो, हम तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे ना, उसके बाद भी तुम क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ये लगना है कॉमन सेंस, ये लगना है रिएजेंट से। तो इसलिए पहले हम कह रहे हैं रिएजेंट को बेटा याद कर लो। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये भी क्वेश्चन बेटा 2017 मेंस में पूछा गया है, ठीक है? ये भी तुम्हारा 2017 मेंस में पूछा गया, ठीक है? और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो यार आसान क्वेश्चन, हम बोल रहे हैं क्वेश्चन लिखो, हम ही लिख दे रहे हैं, तुम लोग जवाब देते नहीं हो तो ऐसा लगता है पता नहीं लिखा कि नहीं। 2-methyl pent-2-ene on reaction with HBr in presence of peroxide forms an addition product कह रहा है the number of ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो तुम पिटोगे। तो स्टीरियो आइसोमर्स फॉर द प्रोडक्ट इज 6-0-2-4। चलो ये तो कर दो। बताओ भाई, और बेटा तुम्हें एग्जाम्पल दे देंगे बहुत सारे जहां पे IIT से निकला हुआ बच्चा, NIT से निकला हुआ बच्चा, सेम पैकेज है। देखो यार, तुम चाहे IIT से करो चाहे NIT से करो, है तो एक ही चीज, है तो एक ही जगह के बने हुए, बस यही कौन कितने अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पा रहा है, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ है, तुम्हें सही बताएं तो। एक दो हर्ष का आंसर आ भी गया, हर्ष इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था तुमने, काव पे हर्ष का आंसर आ गया, ऑप्शन डी मानसी का आंसर आ गया, क्या बता रहे हो बेटा, फोर वैशाली डी बता रहे हो डी। चलो देखो, मुझे आवाज ही नहीं है, वैशाली फोर, अच्छा ठीक है, डी मतलब हाँ, तो सही आंसर है सबका, क्योंकि तो पता ही है 3-methyl pent-2-ene का मतलब क्या हुआ, पहले तो 5 कार्बन लगा दो, ये ऐसा करके ये स्ट्रक्चर ही तो बनेगी, 3-methyl pent-2-ene है ना, तो 1-2-3-4-5 ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, इसकी अगर तुम रिएक्शन करा दो बेटा HBr से ठीक है, HBr से कोई दिक्कत नहीं है, HBr सिलेक्शन करा दो, लेकिन कह रहा है परोक्साइड की प्रेजेंस में, तो यानी कि यहाँ पे बेटा परोक्साइड की अगर हम HOH H2O मान ले, मतलब H2O2 मान ले, तो तुम्हें पता है कि सिर्फ HBr ही है जो परोक्साइड की प्रेजेंस में बेटा एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट देती है। ये क्या देता है, ये आपको, ये आपको क्या देगा, एंटी मार्कोनिकोव
प्रोडक्ट, ठीक है, अगर आपने HBr को परऑक्साइड के साथ यूज कर लिया, ये हम लोगों ने शायद पहले भी क्वेश्चन करा है हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, इस टाइप का, अगर तुमने HBr को परऑक्साइड के साथ यूज करा तो एंटी मार्कोनिक ऑफ, एंटी मार्कोनिक ऑफ का मतलब क्या हुआ कि देखो अगर इस डबल बॉन्ड को तुम यहाँ पे तोड़ोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, बट स्टेबल नहीं बनाना है, मतलब तुम्हें अनस्टेबल बनाना, मतलब क्या कर इसके ऊपर लेके आओ, तो तुम इसके ऊपर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा बेटा ऐसे 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 ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा बी आर आ जाएगा, यानी कि बी आर आके कहाँ पे रख जाएगा यहाँ पे रख जाएगा, ठीक है। अब अगर बी आर यहाँ पे आके लग गया तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें कायरल सेंटर ढूंढने कितने हैं बेटा, देखो एक तो कायरल सेंटर ये खुद हो गया, ठीक है, क्योंकि इससे चारों अलग अलग एटम लगे हुए हैं। दूसरा कायरल सेंटर कौन सा हो गया, क्या ये कायरल सेंटर है, देखो एक दो तीन यहाँ से एक हाइड्रोजन होगा तो हाँ, इधर पूरा अलग मॉलिक्यूल, इधर अलग मॉलिक्यूल, इधर अलग, एक हाइड्रोजन अलग, तो हाँ भाई वो भी एक कायरल सेंटर है, यानी कि यहाँ पे दो कायरल सेंटर है, ठीक है। और तुम्हें पता है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, आइसोमर कैसे निकालते हैं, 2n, वेयर n इज द नंबर ऑफ कायरल सेंटर, कितने हैं दो, तो कितना आ गया बेटा चार, तो बिल्कुल सही आंसर है। तुम लोगों ने इसी ट्रिक से निकाला है, कुछ अलग ट्रिक यूज किए, ऐसे निकाला ना, ठीक है, आगे आ जाओ। हाँ अब तुमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये तुम्हें मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भैया बहुत ध्यान से लिखो, पहले तो कब आया वो लिख देते हैं, कब आया जी 2016 मेंस में, इधर लिख लो 2016 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, वो तुमसे क्या कह रहा है, कह रहा है भैया टू क्लोरो टू मिथाइल पेंटेन, टू क्लोरो टू मिथाइल पेंटेन ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेथॉक्साइड। अगर तुम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन बता दिया तो मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट, मतलब ऐसे ही मतलब दुआएं, ठीक है। मेथॉक्साइड क्या कह रहा है, इन मेथनॉल फ्यूम्स। अच्छा एक बात बताओ यार, मुझे हमें एक चीज पूछनी तुम लोगों से, तुम लोग अभी अभी जेई मेंस का पेपर देके आए हो, राइट, जेई मेंस का तुम अभी भी पेपर देके आए, और हम जो तुम्हें लगवा रहे हैं तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो तुमने ये क्वेश्चन तो लगाए होंगे ना यार, तुमने चैप्टर वाइज पीवाई क्यों नहीं लगाए क्या, क्यों हर्ष वैशाली बेटा लगाए कि नहीं लगाए, तुम लोगों ने चैप्टर वाइज पीवाई क्यों लगाए हैं कि नहीं लगाए बताओ, अगर लगाए होंगे तो तुम्हें ये सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही आने चाहिए, मतलब चलो फिलहाल तो देखो पहले तुम क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा बेटा C2H5CH2, ये जुड़ा हुआ बेटा C से, यहाँ पे लगा हुआ है CH3, इधर भी लगा हुआ है CH3, यहाँ पे बेटा OCH3। सेकंड क्या है, C2H5CH2, यहाँ पे C है डबल बॉन्ड बेटा, यहाँ पे क्या है CH2 है और इधर लगा हुआ है CH3। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। और तीसरा तुम्हें क्या दिया हुआ है, तीसरा तुम्हें दे रखा है C2H5CH डबल बॉन्ड सी देन CH3, ठीक है बस। और फाइनल ऑप्शन तुम्हें क्या दिए हुए हैं, कह रहा है बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, बी क्या कह रहा है, कह रहा ओनली थर्ड, सी क्या कह रहा है, कह रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, डी क्या कह रहा है ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को अगर तुमने प्रीवियस में लगाया तो इसका आंसर बताओ फटाफट जल्दी से, जल्दी करो। बताओ बेटा क्या है इसका आंसर, कर पाएगा कोई,
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आंसर आने लग गया क्वेश्चन का, काफी का आंसर आ चुका, काफी लगाया था क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में। नो सर। नो सर बोल लो, इतने कॉन्फिडेंस है, जब पेपर देने जा रहे हो तो चैप्टर वाइज कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगा के जाओ यार। और कोई बताना चाहेगा कुछ? हर्ष, एरी और काव, तीन बच्चों ने आंसर दिया अभी तक। और लोग बताओ भैया, अक्षिका वैशाली आप लोग बताओ, अर्पना, अक्षिका, अर्पना आपने जो आंसर दिया है ये आंसर क्यों होगा बताना जरा, किस बेस पे होगा ये आंसर? अक्षिका आप बताओ, दोनों लोगों ने तुमने सेम आंसर दिया है, तो जो तुम लोगों ने आंसर दिया वो तुम्हें पता ही है क्यों दिया है, तो मुझे बताओ रीजन क्या होगा, क्योंकि किसी भी बच्चे का ये आंसर आया ही नहीं है तुमने दिया, बताओ बेटा। सर इसमें मतलब मेजर बताना है क्या बनेगा या फिर जो नहीं, ऐसा कुछ ऐसा देखो, तुम देखो क्वेश्चन में ऐसा कहते तो पूछा मेजर बताना है, क्वेश्चन को रीड करो, कह रहा है 2-chloro-2-methylpentane और रिएक्शन में सोडियम मेथॉक्साइड इन मेथनॉल यील्ड। अब ये तुम जाओ, तुम्हें ही बताना है ये, ठीक है? एरी का आंसर आ गया, अक्षय का आंसर नहीं आया अभी तक आपका, अगर तुम लोग तुक्का मार रहे हो तो देखो फिर कोई मतलब नहीं बनता, बट अगर तुम्हें एक्चुअल में नॉलेज है तो तुम बताओ तो एटलीस्ट, क्या पता तुम्हें एक दो पॉइंट नए पता चल जाए, हम तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा बता दें शायद। देखो 2-chloro-2-methylpentane का मतलब क्या हुआ, CH3C, इसी से बेटा Cl लगा हुआ है और इसी से तुम्हारा बेटा CH3 लगा हुआ है, और इसके बाद देन CH2, 1, 2, 3 कितने 2-chloro-2-methylpentane, 1, 2, 3 एक और लगा लो, 4 और एक और लगा लो, ये हो गया 5, ठीक है? अब अगर तुम इसकी रिएक्शन करा के से रहो, ना सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है MeO नेगेटिव Na पॉजिटिव, यही तो होता है, बिल्कुल सही, और इसके साथ क्या है बेटा MeOH, ये तुम्हें और एक्स्ट्रा में दिया हुआ है, ठीक है, एज अ सॉल्वेंट। अब द पॉइंट इज कि भैया MeO नेगेटिव का काम क्या है बताइए जरा, MeO नेगेटिव क्या है, MeO नेगेटिव है क्या बताओ तो दो, अरे भाई बताओ भैया बताओ, MeO नेगेटिव क्या है, MeO नेगेटिव तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस है, तुम लोग आधे तो तुक्के मार देते हो, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा इलिमिनेशन रिएक्शन, बट द पॉइंट इज कि इलिमिनेशन रिएक्शन तो दो टाइप से हो सकती है भैया, कैसे, एक तो कि तुम इस वाले का एक एच यूज कर लो, तुम इसे CH2 और एक एच ऐसे लिख दे हमको, ठीक है, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हम ये वाले एच को भी तो यूज कर सकते हैं, है ना, तो अगर हमसे तो कहा नहीं है मेजर माइनर, तो हम इसका भी तो यूज कर सकते हैं, तो ये वाला भी एच, तो अगर हमने इस वाले एच को यूज करा तब क्या होगा, तो ये एच और ये सीएल निकल जाएंगे यहाँ से, तब क्या होगा भैया, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये इधर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी यहाँ दो तो एल्कीन बन जाएंगे, दो एल्कीन बन जाएंगे, एक तो अगर मिस वाले का यूज करेंगे तो कौन सी एल्कीन बनेगी, तो यहाँ पे बन जाएगा कि CH2 डबल बॉन्ड, देन आ जाएगा अपने पास C, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है बेटा CH3 लगा हुआ है, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा CH3, एक तो तुम्हारे पास ये एल्कीन बन जाएंगे, ठीक, देख लो एल्कीन कहीं पे है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, दूसरा तुम्हारा क्या बन जाएगा, दूसरा तुम्हारा बन जाएगा, अगर तुमने इस वाले उतारा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा C, और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा C, और यहाँ पे आ जाएगा ऐसे आ जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH, ठीक है, जगह नहीं है, नीचे लिख रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे जगह नहीं, तो इसे यहाँ पे लिख रहा है ऐसे, क्या लिख रहा है, एक तो अपने पास क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा, सी आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, और डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा CH, सिंगल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, दो टाइप के एल्कीन बन जाएंगे, ये वाली एल्कीन कहाँ है, देखो ये वाली एल्कीन तुम्हें मिल गई कहाँ पे, ये रही, देखो ना C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, ये वाला हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ये वाला ढूंढो कहाँ पे, ये वाला भी है बेटा कहाँ पे है, ये वाला रह गया, तो इसका आंसर सेकंड एंड थर्ड तो है ही, ठीक है, थर्ड एंड सेकंड तो है, ये तो क्लियर है, यानी कि देखो
फर्स्ट एंड थर्ड नहीं पता अभी हमें, ठीक है, ओनली थर्ड ये गलत क्योंकि दो आंसर आ रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड अभी नहीं पता। देखो अब देखो क्या कह रहे हैं फर्स्ट, अब इन दोनों में देखो, अब एक चीज समझो पहले तो, हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि ये वाला और ये वाला प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, अगर तुम्हें ये MEOH ना दिया होता, अगर नहीं दिया होता तो बेटा यही आंसर हो जाता। कौन कौन सा बना है, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड किसी में है, सेकेंड एंड थर्ड किसी में है ही नहीं, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास MEOH ना दिया होता तो तुम्हारे पास कौन कौन सा बनता, एक तुम्हारा सेकेंड वाला बनता, एक तुम्हारा थर्ड वाला बनता, बट क्योंकि हमें यहाँ पे MEOH दिया हुआ है तो भैया MEOH जो है वो खुद भी तो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है ना, ये क्या करेगा, ये खुद भी एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, और अटैक करेगा तो इसके ऊपर करेगा बेटा, इसी कार्बन पे तो करेगा, इसी कार्बन पे, क्योंकि इसमें पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है। अगर इसने ऐसा करा तब क्या होगा बताइए जरा, तब तुम्हारा कोई प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा बताओ, तुम्हारा बनेगा कि CH3 देन C, यहाँ पे CH3, ठीक है, ये आपका CH2 देन CH2, ये CH3, इतने कार्बन के 1 2 3 4 5 है ना, और यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, यहाँ पे आपने ओ CH3 आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। MeO नेगेटिव अटैक करेगा, H पॉजिटिव तो हटा दो, MeO नेगेटिव क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, और ये वाला H और ये वाला Cl जो HCl एज अ यहाँ पे मॉलिक्यूल माइनस का HCl जो है निकल जाएगा। ये तो MeOH का मतलब क्या है कि CH3OH, इसमें CH3O नेगेटिव H पॉजिटिव है, तो H और ये वाला Cl HCl यहाँ निकल गया, O नेगेटिव इस पर अटैक करके बना देगा। तो क्योंकि हमें MeOH दिया हुआ है तो इसका मतलब बेटा ये भी बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, यानी कि डी वाला बिल्कुल सही होता है। अब तुम लोग बताओ कितने लोग ईमानदारी से बताओ तुक्का मारा था, कितने लोगों ने तुक्का मारा था ईमानदारी से बताओ, ऐसी तुक्का मारा था क्या? नो सर। ठीक है अक्षिकार अपना तुम लोग बताओ, इसका आंसर बड़े कम बच्चों ने दिया, अर्पना कह रही है अर्पना तुक्का मारा था, चलो ठीक है। तो ये इस टाइप से होगा, ठीक है, नोट कर लो, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, तुम्हें एक वैसे हिंट्स दे, मतलब ऐसा करना मत, ठीक है, हम तुम्हें बता रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन है उसमें ऑल ऑफ दीज दिया होता है, मतलब ऐसा मैंने हमने ऐसा देखा है तो उसमें 90% यार यही वाला आंसर होता है, ठीक है, बट ऐसे तुक्का मारना नहीं, तुम कोई मतलब ऐसे स्टेट लेवल का एग्जाम नहीं दे रहे हो, ठीक है, और स्टेट लेवल के भी बहुत टफ होते हैं फिलहाल, उनमें भी नहीं करना चाहिए, बट फिर भी मैं तुम्हें जस्ट एक बात बता रहा हूँ कि ऑल ऑफ दीज अगर किसी में लगा तो आँख बंद कर उसमें लगा तो सही हो जाता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करो, ये समझ में आ गया? Yes. तो पता भी था तुम लोगों को, है ना, अगले पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन करो, ये तो कर दोगे तुम लोग क्वेश्चन, कह रहा है दा दा ऐसे लिखते देखो, हम कह रहा है दा मेजर प्रोडक्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग रिएक्शन इस, ठीक है, और बेटा ये क्वेश्चन आपका 2017 में, ठीक है, 2017 में, और क्वेश्चन क्या है, एक ऐसे यहाँ पे C6H5, ठीक है, और इससे यहाँ पे ऐसे, और ये एक यहाँ पे C6H5, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे एबव द प्लेन तुम्हें दिया हुआ है ब्रोमीन Br, ठीक है, और एबव द प्लेन ही तुम्हें H भी दिया हुआ है, और यहाँ पे तुम्हें क्या दिया हुआ है, बस यही है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन किसे करा रहे हैं भैया, यहाँ पे रिएक्शन कराई जा रही है BuOK से, अब तुम दिमाग लगा लो क्या है, ठीक है, और तुमसे क्या कह रहे हैं क्या क्या बनेगा वो हम तो बता रहे हैं, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है बट ठीक है, कंफ्यूजन कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, देख लेना एक बार क्या पता ना कर पाओ, है ना। एक तो तुमसे बोला गया कि भैया C6H5 और तुम्हारे पास CH और यहाँ पे O और इस पे हाइपर लगा हुआ है, OT लिखा हुआ है सॉरी, और यहाँ पे ये सब BU और ये हो गया अपने पास CH2 देन C6H5, ठीक। सेकेंड वाले में क्या कह रहा है, कह रहा है C6H5CH देन डबल बॉन्ड CH देन C6H5, तीसरा देखो प्लस C6H5CH और यहाँ पे O, यहाँ पे T और ये कह रहा है बेटा BU, हमने क्या दे रखा है, हमने दे रखा CH2 C6H5 और एक ऑप्शन दे रखा है तुम्हें C6H5CH, यहाँ पे O T और तुम्हें दे रखा है बेटा BU और क्या है, और है तुम्हारे पास CH2 C6H5, भाई ये है। अब बताओ
इसका ऑप्शन बताओ जल्दी से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर लग गया, काफी का आंसर आ गया, काफी करा था क्वेश्चन ये। सर मैंने किए प्रीवियस ईयर पर सारे नहीं किए। तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है, तुम यार क्या ही बोले, तुम्हारी स्ट्रेटजी गलत है। तुम लोग पढ़ाई तो ठीक कर रहे हो, तुम्हें नॉलेज भी अच्छी है, बट तुम्हारी स्ट्रेटजी सही नहीं है। और बेटा ध्यान रखो, तुम्हारी प्लानिंग अच्छी नहीं है तो तुम फिर मात खा जाओगे। प्लानिंग अच्छी रखो भैया, सबसे पहला काम तुम्हें यही करना चाहिए कि तुम्हारे जो प्रीवियस ईयर है चैप्टर वाइज उन्हें तुम लगा डालो। मतलब एक बात बताओ, अगर हाइड्रोकार्बन है, अब उसके प्रीवियस ईयर में पिछले 10 सालों में उससे जितने भी क्वेश्चन है सब लगा लो, तो तुम्हें एक ओवरऑल आइडिया तो मिल जाएगा कि हाइड्रोकार्बन से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन रिपीट तो जरूर नहीं होगा, बट भैया मेरे क्वेश्चन तो उसी टाइप का आएगा ना कुछ ना कुछ। तो अगर तुमने एक चैप्टर पूरा पढ़ा और उसके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है पिछले लास्ट 10 ईयर के, कितने होंगे, मुश्किल से ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, 30-35-40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अगर तुमने प्रैक्टिस कर लोगे यार तो तुम्हारा फायदा ही है। सबको याद आ गया ये क्वेश्चन? और लोग बताओ, और लोग आंसर दे बेटा इसका। हर्ष, एरी, काव्य, इतने बच्चों ने आंसर दिया, वैशाली ने दे दिया, वैशाली पास आईफोन तुम्हें ये दिखाने के लिए अरे डीपी लगाई है क्यों वैशाली? मानसी नहीं, क्यों पता है? एक रिसर्च में से बताया गया कि लोग मिरर के सामने जो सेल्फी मतलब ऐसे फोटो खींचते हैं 90% तब खींचते हैं जब उनके पास एप्पल का फोन नहीं। बात झूठ बोल रही है तो हम लोगों से, चलो खैर कोई बात नहीं, है तो दिखाना भी चाहिए। अच्छा देखो यार, थोड़ी सी बात समझ लो, जो ये कार्बन है ऑब्वियसली बात है टेट्राहेड्रल ही दिखी रहा है, चार बॉन्ड बना रहा है, तो चार बॉन्ड बना रहा है तो टेट्राहेड्रल होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी बेटा एक बिलो द प्लेन होगा और एक क्या होगा अबव द प्लेन हाइड्रोजन होगा। बताओ इतना बताओ, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब अगर होगा तो इसकी रिएक्शन तुमने करा रखी किससे है? जैसे पीछे तुम्हारा यहाँ पे देखो कहाँ पे यूज करा था यार, नोट कहाँ गया वाला क्वेश्चन, ये वाला देखो, जैसे यहाँ पे TBuNa है वैसे यहाँ पे TBuK है, बात खत्म, ठीक है। जैसे वहां पे TBuNa था वैसे यहाँ पे TBuNa है, मतलब के पॉजिटिव ओपे निगेटिव, मतलब ये भी क्या बल्कि बेस स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होगा, एंटी अटैक होगा, मतलब ये कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, यहाँ से बीआर बाहर निकल लेगा, तो मतलब क्या क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ पे बन जाएगा। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था यार, चूरन क्वेश्चन कहते हैं हमारे ऐसे, C6H5 और ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगा C6H5 हो जाएगा, और क्या बचा, बस यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो देख लो CH डबल बॉन्ड CH C6H5। बी आंसर दिया सब लोगों ने, बी सही है। देखो यार ये तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, देखो स्टीरियो केमिस्ट्री से क्या मतलब है, तुम क्यों समझ, ये बताओ क्यों दिया है कंफ्यूज करने के, क्योंकि भैया कुछ बच्चे जो है बहुत ज्यादा दिमाग लगा देते हैं, वो सोचते हैं यार यहाँ पे कार्बन के दो अपर ये दिए हुए हैं, क्या कहते हैं अब द प्लेन, तो कैसे होगा ये वो फलाना ढमकाना, तो एक्स्ट्रा की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, डी होगा क्या होगा, तो वही वाली बात है, खाली तुम्हें वेब को बना लिया कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो बस बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। और क्वेश्चन देखें, हाँ ये वाला देखते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ तुम लोग क्या कह रहा है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है, द प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो इज, रिएक्शन क्या बेटा देखना जरा, ये मॉलिक्यूल में ऐसे दे रखा है और ये ऐसे। अब तुम्हें अगर ध्यान हो तो हमने इसके बारे में बहुत बढ़िया से बताया था, और अच्छी ठीक है, और यहाँ पे क्या है तुम्हें दे रखा है H2O और तुम्हें दे रखा है K2CO3 और कह रहा है X बताओ क्या बनेगा। ये तुम लोगों ने शायद प्रीवियस ईयर में लगाया होगा क्वेश्चन, यहाँ पे जी है यहाँ पे ये ठीक, बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड,
ये कुछ नहीं है, ये एक्स्ट्रा वन बन गया, ठीक है। और सी की अगर बात करें भैया तो सी का है, सी है ये, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे व्हाट इज डी ब्रो, डी क्या है, ये चलो इसका आंसर बता दूंगी। आंसर बताओ बेटा इसका जल्दी से सुन लो। क्यों तुम लोग के आंसर की तो आ गई ना, बताओ तो आंसर क्या आ गई तुम लोगों की। अरे तो स्कोर तो बताओ कितने बन रहे हैं क्वेश्चन, क्यों कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, काव्य कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं भाई। सर 131 है, 130 आ रहा है तुम्हारा स्कोर। यस सर, कैटेगरी वाइज देख लेना एक बार सब लोग, 130 तो यार कम है, 130 में तो नहीं हो रहा। अगर तुम्हारा 190 से लेके 200 के बीच में होता तो तुम्हारा हो जाता। 130 में एक बार कैटेगरी वाइज देख लेना, कहाँ पे कैटेगरी क्या बेटा आपकी, FC तो तुम्हें यार मिल जाएगा काव्य आई थिंक, क्यों काव्य चेक किया था बेटा इतनी, ये कट ऑफ चेक करी थी। नो सर। अरे तो फिर तो तुम्हारा हो जाएगा, कांग्रेचुलेशन ब्रो, एनआईटी तो तुम्हारा 100% है, बाकी आईआईटी में देखो क्या कट ऑफ जाती है उसके हिसाब से। अगर किसी बच्चे का स्कोर इसके बीच में 190 के आसपास टच कर रहा है वो उसका भी हो जाएगा। और अगर कोई बच्चा ओबीसी है फॉर एग्जाम्पल, ओबीसी कैटेगरी का कोई बच्चा है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, पहले तो मैं एक बार बता देते हैं, चलो क्या छोड़, अगर कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी का है तो अगर उसके 150 के आसपास नंबर भी हैं तब भी उसे एनआईटी मिल जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, 150 से लेके 160 अगर उसके बन रहे तो, अगर कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी का है तो। और एससी कैटेगरी का अगर बच्चा है तो 130 में 100% है यार मेरे हिसाब से, एनआईटी तो 100% है, एनआईटी तो 101% है, बाकी आईआईटी का यार मुझे 100 मतलब पता नहीं इस बार क्या कट ऑफ जाए, क्योंकि वो परसेंटाइल के ऊपर होता है कि कितने बच्चों ने पेपर दिया है ना, परसेंटाइल के अकॉर्डिंग वो कट ऑफ बनेगी, वो बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। तो ओबीसी में अगर कोई बच्चा ओबीएस लिख दिया हमने यार, ओबीसी में अगर 150 से 160 तो एनआईटी तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास 190 से 200 है तो आईआईटी ही मिल जाएगा, और जनरल वालों को और ज्यादा मान लो 220 के आसपास मान लो, ठीक है। और किसी बच्चे को पता चले नंबर अपने बता भाई, तुमसे तो एक नाम ले लेके पूछो तब बताते हो, अर्पणा अक्षिका एरी हर्ष बताओ भाई, क्यों बताओ एरी बताओ, आया तो किसी बच्चे का, अर्पणा, अर्पणा ठाकुर आप जर्नल में हो, आई थिंक जर्नल में हो ना अर्पणा। यस सर। तो हाँ तो तुम्हें बेटा मेहनत करनी है, लेकिन अच्छी बात पता क्या है, देखो तो काव्य ने कितनी अच्छी बात बोली है, काव्य कह रहा है सर मैं अगली बार 200+ लाऊंगा, मेरी बात सुनो, अगर किसी बच्चे का स्कोर 120+ या फिर 120 है, मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, तो बेटा तुम सिर्फ तैयारी करने पर लग जाओ, तुम सिर्फ अंदर कुछ मत करो, चुपचाप से आंख बंद करके तैयारी करने में जुट जाओ, तुम जितना एफर्ट लगा सकते हो उतना एफर्ट लगाओ, ठीक है। अगर तुम यहां तक पहुंच सकते हो तो बेटा आराम से तुम 200+ पहुंच जाओगे, समझे, तुम्हें 80 नंबर की दौड़ चाहिए, और तुम 80 नंबर की दौड़ में बस ये देख लो कि तुमने कहां पे गलती की थी,
समझे, उस गलती को सुधार लो बस अपनी, ठीक है। और बताओ एरी, तुम बताओ, अर्पना ने बता दिया, काप ने बता दिया, और बताओ, और लोग शायद नहीं बताना चाह रहे हैं, बट हम पूछ के रहेंगे। एरी बताओ जल्दी। सर मेरे नहीं, मेरे अच्छे। कोई बात नहीं यार, अरे क्या कैसी बातें कर रहे हो यार, हम तुम्हें क्या बताते हैं, चलो आज तुम्हें क्या बताते हैं। हम जब ट्वेल्थ में थे, हम पूरे यूट्यूब के, मतलब पूरे इंडिया के सामने, मतलब अभी तो ऑब्वियस बात, पता नहीं कोई देखेगा नहीं देखेगा, मान लो पूरे इंडिया में तो सोशलाइज जा रही है ना वीडियो, मान लो पूरे इंडिया में कोई भी देख रहा होगा, हम अपनी बात में बताते हैं। यार हम जब ट्वेल्थ में थे, तो ट्वेल्थ के बाद हम ऐसे बैकग्राउंड से थे, मतलब पढ़ा, मतलब स्कूलों में अच्छे स्कूल में पढ़े हुए हैं ना, बट यार वहाँ पे ना मेरे माहौल ऐसा इतना अच्छा नहीं था कि हमें कोई इतना ज्यादा गाइड करता कि भैया क्या, तुम लोगों को घर बैठे ट्यूशन मिल रही, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। ट्यूशन पढ़ते थे, वो जो ट्यूटर थे वो अपने लेवल पे तो अच्छा पढ़ा रहे थे, ऐसा नहीं कि अपने लेवल पे कोई बेकार पढ़ा था। हर्ष कोई बात नहीं, हर्ष अपनी तुम कैटेगरी वाइज एक बार जरूर वो देखना क्या है, ठीक है। और बात रहेगी कि तुम अगर बेटा यहाँ तक पहुंच रहे हो, अगर तुम 80, 100, 120 तक पहुंच रहे हो, तो तुम कम से कम सोच के देखो भैया बच्चों के माइनस में नंबर आ रहा है, तुम कम से कम यहाँ तक पहुंच रहे हो, मतलब तुम्हारे अंदर काबिलियत तो है, तो तुम उसी चीज को थोड़ा सा और अच्छा कर लो, ठीक है। जनवरी वाले के तैयारी करो, तुम्हारे पास जनवरी वाला, तुम लोगों के पास अटेम्प्ट है कि नहीं है, क्यों बताओ जरा एक बार, क्या तुम लोगों के पास जनवरी वाला अटेम्प्ट है? Yes, sir. अगर है तुम लोगों के पास जनवरी वाला, तो भाई साहब आंखें बंद करो और चुपचाप से पढ़ने बैठ जाओ, जितनी एफर्ट लगा सकते हो उतना एफर्ट लगाओ, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। क्योंकि जुलाई वाले में तो 15 दिन में तो तुम जितनी तैयारी कर लो, मुश्किल से 10 नंबर पढ़ा लोगे, 15 नंबर पढ़ा लोगे, ये भी तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट हालांकि इससे मिलेगा, बट अगर तुम्हारे पास जनवरी वाला अटेम्प्ट है, तो चुपचाप से उस पर फोकस करो, बात ही खत्म कर दो, किसी से बात मत करो। तो हम यार जब ट्वेल्थ में थे ना, तो क्या हुआ कि हमें इतनी भाई नॉलेज नहीं थी, ना हमें कोई गाइड करने वाला था, हमने ऐसे ही सुना कि आईआईटी का फॉर्म, आईआईटी फॉर्म ने डाल दिया, हमने हटाओ देखी जाएगी। पेपर देने पहुंचे, तो सही बता रहा है, तो पेपर देखा, वहां देखे सेंटर के बाहर इतनी भीड़, हम देख के डर गए, हमने भाई क्या है, किस चीज का पेपर, इतनी क्यों भीड़ हो रही है, हमें नहीं मालूम ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं थी। और फिर दूसरी बात यह कि मेरा यार हमेशा था कि हमें क्रिकेट खेलना है, हमें मतलब क्रिकेट में बड़ा ज्यादा शौक था कि हम क्रिकेट खेलेंगे, तो हमने भैया रणजी लेवल पे खेला भी, मतलब मेरा जो मतलब होम टाउन है वहाँ पे जो एक स्टेडियम बना था, वहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन कराया, वहाँ पे जाके खेला भी, बट मेरे स्कूल की टाइमिंग और वहाँ की टाइमिंग मैच नहीं हो पा रही, तो मैं वो छोड़ना पड़ गया। तो फिर ले देखे कहाँ पे आ गए, अब आगे भैया पढ़ाई पे, तो पढ़ाई में भी एकदम से मैं इतना नहीं पता था कि हमें भैया आईआईटी क्या होता है, ये क्या होता है। हम पेपर देने गए, पेपर दे के आए, जब मेरे सामने पेपर आया ना आंखों के सामने, पहले सीबीटी मोड नहीं होता था, पहले पेपर तुम्हें मिलता था प्रॉपर तरीके से, तो पेपर मिला, मैथ देखी और मेरा दिमाग खराब हो गया कि ये सब क्या पूछा, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हम लोकल टीचर से पढ़ते थे वहां के, और वो लोकल टीचर मतलब अपने सब्जेक्टिव नॉलेज तो उनकी अच्छी थी, मतलब जो सब्जेक्ट उस बोर्ड के हिसाब से पढ़ा रहे थे, बट कॉम्पिटेटिव उन्होंने उनका पढ़ाया नहीं, तो वो वही वाली बात थी, वही नॉलेज थी हमें भी, तो हमने सब्जेक्टिव तो इंटीग्रेशन तुम दे दो, डिफरेंशिएशन तो कर देंगे, लेकिन वो कॉम्पिटिशन का तो पता ही क्या हिसाब किताब है, भैया हमसे नहीं हो पाया। तो हमने फिजिक्स देखी, वो हमसे नहीं हो पाया, सिर्फ केमिस्ट्री केमिस्ट्री करके आए थे, और तुम्हें बताया मेरे 24 नंबर आए थे, सिर्फ 24 नंबर। हम क्या सोचते, हम सोचते अरे यार अब तो ये तो मतलब क्या है, बहुत ही कम नंबर है, क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन ट्राई करें, समझे भाई वाली बात। तो तुम ये सब चीजें मत सोचो, तुम्हारे कितने नंबर अभी आए हैं, और आज हम लोग तुम्हारे सामने यहाँ बैठे हुए हैं, तो कोई मैटर नहीं करता तुम्हारे अभी कितने नंबर आए हैं, मैटर ये करता है कि कम से कम तुम लाए तो कर रहे हो, वहां पे एग्जिस्ट तो कर रहे हो, ठीक है। तो बस भैया अपना फोकस बनाए रखो अच्छे से, खूब अच्छे से पढ़ाई करो। चलो भैया देखो, पहली बात तो एनबीएस क्या होता है, एन रोमोसक्सिनामाइड, इसकी अगर तुम्हें फॉर्मूला देखो, इसका लिख लो फॉर्मूला, अगर कहीं लिखना चाहो, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे लगा होता है एन, ठीक है एन, और इससे लगा होता है बी आर, इसी मॉलिक्यूल को हम लोग एनबीएस बोलते हैं, एनबीएस का मतलब एन रोमोसक्सिनामाइड, इस कंपाउंड को चाहो तो कहीं पे नोट कर लो, ठीक है। इतने को हम लोग क्या बोलते हैं, एन रोमोसक्सिनामाइड। और एन रोमोसक्सिनामाइड का काम क्या होता है, एन रोमोसक्सिनामाइड का काम होता है कि भैया ये क्या करता है, ये ब्रोमिनेशन करता है, ठीक है, मोस्ट स्टेबल पोजिशन पे क्या करेगा, ब्रोमिनेशन कर देगा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि करेगा क्या, एक्चुअल में ये करेगा ये कि जो ये तुम्हारा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के देखो ये तुम्हारे दोनों कार्बन कौन से, डबली बॉन्डेड कार्बन, तो इनसे जो कार्बन जुड़ा वो अल्फा कार्बन, एक अल्फा ये हो गया, एक अल्फा ये हो गया, तो इन दोनों कार्बन पे क्या करेगा, इन दोनों कार्बन पे ब्रोमिनेशन करता है। इसका काम ये होता है कि जो तुम्हारे डबली बॉन्डेड कार्बन है उनसे जो पहला कार्बन जुड़ा है यानी कि अल्फा कार्बन पे ब्रोमिनेशन है। अब बात यह कि बीआर या तो तुम इस वाले कार्बन पे लगाओगे या तो बीआर तुम इस वाले कार्बन पे लगाओगे, तो किस कार्बन पे स्टेबल बीआर जुड़ेगा बताओ, कौन से कार्बन पे बीआर जो स्टेबल होगा,
तो बात यह कि जहां पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो ज्यादा स्टेबल, तो यानी कि ये वाला जो बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन कौन सा हो गया जिसपे तुम ब्रोमिनेशन कराओगे। अगर तुमने Br को लाके यहाँ पे जोड़ दिया एक बार, या फिर तुमने Br को लाके जोड़ दिया यहाँ पे, अब इसके लिए अल्फा कार्बन कौन सा हो जाएगा? ये वाला। इसके लिए अल्फा कार्बन कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो इस पे दो हाइड्रोजन है, इस पे एक हाइड्रोजन है, तो जो मोस्ट स्टेबल वाले आप वहां पे क्या हो जाएगा? ब्रोमिनेशन हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे ब्रोमिनेशन करा दोगे। अब ब्रोमिनेशन के बाद क्या होगा बताओ? ब्रोमिनेशन के बाद तुम्हें क्या दे रखा है कि H2O और K2CO3, ठीक है? तो बेटा देखो, अगर तुमने K2CO3 की रिएक्शन बेटा H2O से करा दी तो क्या होगा? तो तुम्हारा KOH प्लस का H2CO3 बन जाता है, H2CO3 बन जाता है। कुल मिला के बात यह है कि हमें भैया KOH दिख गया कि इसके दोनों मिक्सचर हमें क्या मिलेगा? KOH। और KOH का मतलब क्या है? KOH तुम्हारा बेस है, ठीक है? तो बेस है तो क्या करेगा? टूटेगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, यानी कि जहां पे Br है वहां पे क्या करेगा? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? ये ऐसे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज जाके इस पे अटैक कर देगा। जब इस पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा ये ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आके तुम्हारा OH मॉलिक्यूल लग जाएगा। देख लो कहाँ पे है, कहीं OH लगा, पहला वाला ऑप्शन है, बस ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर किसी ने दिया क्या यार? इसका आंसर सबने गलत दिया, किसी ने दिया ही नहीं पहली बार, ठीक है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है? ये रिएक्शन लिख लेना, ध्यान रखना, अगर K2CO3H2 को मिलाओगे तो KOH बनता है, बस हमें ये कभी बताना चाह रहा है। मेरी बात सुनो सब लोग, बिल्कुल भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कोई भी टेंशन ना लो, किसी के अगर 60 नंबर है, 70 है, 80 है, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन, तुम टेंशन लेके डिप्रेस होके बेटा कुछ नहीं कर लोगे। अगर कुछ तुम कर सकते हो तो अपने हथियार उठा के, मतलब वही वाली बात है कि तुम कॉपी पेन उठाओ, इस बार अच्छी सी प्लानिंग बनाओ, स्ट्रेटजी बनाओ। और सबसे देखो तुम्हें बताएं, कोई भी काम लाइफ में करो, जब तक आपकी स्ट्रेटजी बेटा अच्छी नहीं होगी तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओ। एक बढ़िया स्ट्रेटजी की जरूरत है तुम्हें, समझे? हम लोग इंजीनियर हैं यार, मैकेनिक हैं हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, समझे? तो अपनी स्ट्रेटजी अच्छी बनाओ, मेरी बात मानो। तुम अपना पहले टाइम शेड्यूल देखो, टाइम शेड्यूल क्या है? अगर तुम्हारा टाइम शेड्यूल डन है, मतलब टाइम शेड्यूल बिल्कुल सही जा रहा है तो तुम देखो तुम्हारी पढ़ाई में कहाँ पे गलती हो रही है, कौन सा तुम्हारा वीक पॉइंट है उसे ठीक करो, ठीक है? वीक पॉइंट में आलस आ रहा है उठने में, सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे, पढ़ाई अच्छा नहीं दे पा रहे, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे टाइम ज्यादा नहीं दे पा रहे, वो खत्म करो। अगर है कि वो भी चलो सब सारे सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दे रहे हैं, फिर क्या है कि मैथ अच्छी नहीं हो रही है, मैथ में कहाँ कमी आ रही है उसे ठीक करो, फिजिक्स में देखो क्या दिक्कत हो रही है उसे ठीक करो। और तुम्हें एक बात बताते हैं, तुम्हारे लिए यहाँ पे बेटा टीचर बैठा हुआ है, सेपरेट बैठा हुआ है। तुम्हें अगर जरूरत पड़ेगी ना कि सर हमें पर्टिकुलर ये टॉपिक पढ़ना है, पर्टिकुलर हमें सिर्फ यही चैप्टर पढ़ना है और आप हमें पढ़ा दो, अगर एक बच्चा भी कहेगा तो बेटा हम तुम्हें अलग से तुम्हारा एक घंटे का हम वीडियो कॉल पे, जैसे ये मतलब जूम मीटिंग होती है, इस पर तुम्हें अलग से पढ़ा देंगे एक घंटा। तुम एक बार बताओ कि तुम्हें दिक्कत कहाँ में आ रही, ऑर्गेनिक में आ रही, इनऑर्गेनिक में आ रही, फिजिकल में आ रही, मेरा सब्जेक्ट हम देख सकते हैं, है ना? बाकी सब्जेक्ट जो है बाकी टीचर देखेंगे। तो तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ और अपनी तैयारी करो अच्छे से। अगर किसी बच्चे के 80 नंबर भी आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 60 नंबर भी आ रहे हैं, तब भी बेटा तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है कि तुम पेपर बीट कर दोगे, इसीलिए तुमसे कह रहे हैं। बस ये है कि हाँ भाई थोड़ा पीछे हो, ऑब्वियस सी बात है, जो एक रेंज होनी चाहिए उससे। और देखो देखो बताए, पहली बात तो तुम कैटेगरी को भी मेंशन ही ना करो, तुम अपने दिमाग में एम रखो कि हमें बेटा 200 पे टच करना है, बस अपनी कैटेगरी को भी एक साइड हटा दो। अब 200 प्लस कर लो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी एक 200 का एम बनाओ कि इतना तुम्हें टच ही करना है, उसके लिए देख लो क्या कर मिल रहा है। और सबसे पहली बार बेटा चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो, जो भी चैप्टर उठा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉल्यूशन पढ़ा, सॉल्यूशन के प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं 10 साल में सारे लगा डालो, तब तो तुम्हें कोई फायदा है। तो तुम्हें उससे एक आइडिया हो जाएगा कि हमें सॉल्यूशन के कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के पैटर्न, देखो पिछले 3-4 साल 5 साल का क्या है, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ मॉलिक्यूल तुम्हें दे रखे हैं और SN2 रिएक्शन के बारे में पूछा है, कह रहा इन SN2 रिएक्शंस, कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2014 मेंस में आया, रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कौन कौन से कंपाउंड्स भैया? एक तो अपने पास CH3Cl है, दूसरा तो हमारे पास CH3CH2Cl है, CH3CH2Cl है ना, हाँ ठीक है। तीसरा तुम्हारे पास कौन सा है बेटा? CH3 का होल ट्वाइस CHCl है, एंड क्या है तुम्हारे पास? एंड तुम्हारे पास बेटा CH3 का होल फाइव CCl इज
तो सी एस थ्री सी एल ये जो ऑप्शन दिए हुए जल्दी जल्दी करके बता दो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है, और कह रहा है सी एस थ्री का होल्ड साइज सी सी एल। थ्री का होल ट्वाइस सी एच सी एल, देन उसके बाद बेटा क्या है, देन उसके बाद है कि सी एच थ्री का होल थ्राइस सी देन सी एल, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है भैया, सी वाला जरा देख लेते हैं, सी वाला क्या है चक्कर, कह रहा है कि सी एच थ्री सी एच टू सी एल, फिर क्या है बेटा, फिर सी एच थ्री सी एल, फिर क्या है, फिर है कि सी एच थ्री का होल ट्वाइस सी एच सी एल, और फिर क्या है, फिर है अपने पास सी एस थ्री का होल थ्राइस सी सी एल, है ना। इसका चौथा ऑप्शन लिखने की जरूरत भी नहीं, चौथा आंसर आ गया, आसान सा क्वेश्चन है, बता दो फटाफट जल्दी से। कहा आ गया एडी का आ गया, और लोग बताएं हर्ष का आ गया, बस ये बता रहे हैं मोहन साहब मेरी प्रॉपर क्लासेस हुई है सैटरडे मंडे वाली, बट हम जब तुम्हारे साथ तुम्हारे पास आए हैं तो आधा तुम लोगों का टाइम निकल गया था तब हम आए हैं तुम्हारे पास, मतलब जब तुम लोगों का शायद हमसे पहले पता नहीं कौन पढ़ा रहा था तुम्हें केमिस्ट्री, मतलब मेरी जगह पे वैसे तो शायद राधिका मैम थी, मेरी जगह पे पता नहीं कौन था, अगर हमें थोड़ा टाइम ज्यादा मिला होता और हमें ऑर्गेनिक पढ़ाने को दी होती अगर तुमसे बताया, तुम लोग ऑर्गेनिक बहुत अच्छी करा देते, मतलब अपना एफर्ट पूरा लगाते, बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे पढ़ते हो वैशाली से, ये सबका आंसर सही है यार, इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या। अब यार देख ही लो एक बार भैया, देखो सबसे पहले क्या तुम्हें दिखा है सी एस थ्री सी एल, ठीक, तो तुम क्या करोगे यहाँ से, क्या करोगे सी एल को हटाओ, क्या बनेगा मिथाइल, तुम्हारा मिथाइल हैलाइड बनेगा, ठीक है। फिर अगर तुम दूसरा वाला उठा लो, क्या है बेटा सी एस थ्री है, फिर सी एस टू है, फिर सी एल है, यहाँ से हटाओ वन डिग्री बन जाएगा। तीसरा क्या है तुम्हारे पास, कायदे देख लो एक बार, पास है सी एस थ्री सी एच बेटा, फिर सी एस थ्री यहाँ पे सी एल, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा टू डिग्री बन जाएगा। और तीसरा वाला क्या तुम्हारे पास सी एस थ्री सी कहां से अच्छे से कर पाएगा, यहाँ पे क्राउडिंग कम होगी, मतलब आसानी से कर पाएगा, इसपे थोड़ा कम, इसपे तो क्राउडिंग बहुत ही ज्यादा है, इसपे और भी ज्यादा है, क्योंकि जो एस एन टू की रिएक्टिविटी होती है बेटा, एस एन टू जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टीयरिंग हिंड्रेंस के, स्टीयरिंग हिंड्रेंस के लिए ध्यान रखना। इसका मतलब सभी ने आंसर सही दिया है, बी इज द राइट आंसर, ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहे हैं, ये करके दिखा दो जल्दी से, हमने शायद पता नहीं तुम लोगों को तो नहीं करवाया ये क्वेश्चन, हम सिर्फ ऑप्शन लिख रहे हैं, ठीक है। अब तो क्वेश्चन बता दें क्या बोला गया, पूरा नहीं नोट कर पाए, और कह रहा है कि क्या है ये डबल बॉन्ड ऐसे, बी के बाद क्यों क्या कह रहा, देखो कह रहा है कि ऐसे ऐसे, और यहाँ कह रहा है ओ एन ए, ठीक है। पी क्यू आर देख लो जरा एक बार, आर क्या भैया, आर है कि ठीक है, यहां पे बेटा ओ एच है और यहां पे ऐसा कुछ है, ठीक है। और एस तुम्हें क्या दे रखा है, एस तुम्हें दे रखा है कि ठीक, और यहाँ पे क्या दे रखा है, इधर above the plane OH दे रखा है, और इनके reagent इनके सामने लिखे हुए हैं, इसमें देखो पहला क्या, पहला दिया हुआ है, पहला दे रखा है बेटा HG OAC का whole twice, second NaBH4, ये तो हमने तुम्हें कल ही कराई है बेटा, कल ही कराई है वाली परीक्षा, अगर तुम ये भी नहीं बताओ तो बहुत वीक है। दूसरा दे रखा है NaOET, तीसरा दे रखा है तुम्हें ETVR, ETVR, चौथा दे रखा तुम्हें BH3, एंड पहला, दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है H2O2 और NaOH,
इतना दे रखा है, जल्दी बताओ तुम खाली इतना बता दो, P का क्या होगा, Q का क्या होगा, R का क्या होगा, S का क्या होगा, ये बता दो, P, Q, R, S, इन्हें मैच कर दो बस, और कुछ नहीं करना तुम, ठीक है, जल्दी से बता दो। बताओ भाई पी का क्या होगा बेटा, बताओ बताओ बालकों बताओ, अगर हम होते पेपर में बैठे, ये मेरे सामने क्वेश्चन आ रहा, पता क्या करते हम सबसे पहले इन दोनों का देखते हैं, इसमें आंसर तो मतलब पूरे दिए हुए हैं, चाहो तुम लिख ही दे रहे हैं एक बार, है ना, देखो तुम्हें यहाँ क्या दे रखा है, इधर ऐसे लिखा हुआ पी, इधर लिखा हुआ क्यू, इधर लिखा हुआ आर, इधर लिखा एस, और यहाँ पे ए, then B, then C, then D, ठीक है, यहाँ पे क्या है 23, 14, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 32, 14, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 23, 41, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 32, 41, भैया ये तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, ये तुम्हें दिया हुआ है, this. बताओ, हम ही कह रहे थे अगर हम ये क्वेश्चन कर रहे हो तो हम बता क्या करते हैं, हम इन दोनों का निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल लगा, इसमें भी अल्कोहल लगा है, हम इन दोनों का चेक करके भैया बस अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, ऐसे हम ये देखते ही नहीं, मतलब ये भी आसान है ऑब्वियस सी बात है, बट हम पहले नहीं कर लेते क्योंकि बड़ी आसान रिएक्शन तुमने पढ़ी है, तुमने एक तो HBO रिएक्शन पढ़ी होगी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एक तुमने पढ़ी होगी OMDM ऑक्सीडेशन, मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ये दोनों रिएक्शन तो ऐसी हैं कि जो तुम्हारा 12th क्लास है ना उसी में बच्चे टीचर कहता बेटा ये वाली रट लो बिल्कुल, इन्हें इनसे मतलब एकदम ऑप्शन ए सही आंसर है, क्यों यार जैसा कि हमने बोला था अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इसे पहले देखेंगे, ये बेटा कौन सा स्टेबल ये बन रहा है, मतलब ये स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, स्टेबल कार्बोकैटायन कब बनता है बताओ जरा, ऑक्सीडेशन मर्क्यूरेशन में क्या बनता है स्टेबल कार्बोकैटायन, मतलब 2 degree या 3 degree वाला कौन सा बन रहा है, देखिए जरा पहला कौन सा कार्बोकैटायन 3 degree वाला, 3 degree ये कौन सा है, ये 2 degree, ये कौन स्टेबल होगा ये वाला, तो ये कौन बनाता है, ये बनाता है ये वाला बेटा, ये यानी कि पी का कौन सा होगा, पी का पहला, नहीं सर ये तो आर है ना, अच्छा आर का पहला, आर का पहला, आर का पहला 2 है बेटा, तो देखो ये वाले दो तो ऑप्शन ऐसे ही इलिमिनेट हो गए क्योंकि इनमें आर का चौथा चौथा दिया, आर का पहला 2 जगह है, एक तो ए में एक बी में, अब आ जाओ एस पे, अब एस पे क्या बन रहा है, देखो ऑब्वियस सी बात है ये तुम्हारी कौन सी रिएक्शन है, ये तुम्हारी OMDM, ये है OMDM और ये क्या करता है मोस्ट स्टेबल अल्कोहल बनाता है, ठीक है, फिर तुम्हारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कौन सी, ये वाली, ये रिएक्शन कौन सी, HBO रिएक्शन है, कौन सी ये वाली जहाँ पे BH3 और H2O2 लेते हैं, ये क्या करता है 2 degree बनाता है, तो इसका यही है, तो इसका कौन सा हो गया, इसका हो गया चौथा, इसका चौथा दोनों में, तो ऐसे डिसाइड ही नहीं कर पाओगे, मतलब मेरी जो ट्रिक है गलत हो गई, अब देखो पहले में क्या हो रहा है इलिमिनेशन हो रहा है, कौन करेगा स्ट्रॉन्ग बेस, ये रहा स्ट्रॉन्ग बेस बेटा, ये रहा स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि इसका कौन सा है, इसका है ये वाला, यानी कि पी का कौन सा हो गया दूसरा, पी का दूसरा कौन सा है, पी का दूसरा सिर्फ पहले वाले में, पहला का सही आंसर हो गया, गलत हो, ठीक है, और नहीं तो देख लो, अगर तुम ऐसे दिमाग लगा लो ये O नेगेटिव क्या करेगा, O नेगेटिव जाके ET पे अटैक करेगा, BR यहाँ से निकल जाएगा, तो N ये यहाँ पे आके O पे आके ET लग जाएगा, ऐसे दिमाग लगा, ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा ये वाला, यानी कि बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी कि Q वाले का क्या है थर्ड, Q वाले का थर्ड, ठीक है, पहला वाला बिल्कुल सही आंसर, हाँ हर्ष, अरे हर्ष B क्यों बता रहे भाई, पहले ए ही दिया था पहले, फिर मैं इसमें पजल हो गया सेकंड और थर्ड में, नहीं कंफ्यूजन क्रिएट करने के होता है, 3 लिखा हुआ है, ठीक है, बी होगा भाई, ठीक है, पहले पी वाले का देख लो ना, पी वाले का सेकंड होना चाहिए, क्योंकि पी वाला क्या है, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सा करता है, अरे तुम अभी देखो यार ये 3 बार करा चुके, पिट हो गए, हम बता रहे हैं अभी इतनी देर से, ये तो करा रहे हैं एन ए पॉजिटिव कहाँ, ठीक है, और OET नेगेटिव, ये बल्कि बेस है ना, उतनी देर से अभी वहां पे क्या आ रहा था, वहां पे कहीं पे KOBU आ रहा था, कहीं पे ET आ रहा था, MEOH आ रहा था, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ये सब, समझे, इनका काम ही होता है एलिमिनेशन रिएक्शन कराना, इनका दुनिया में कुछ काम ही नहीं है, बस ये जहां देखें एलिमिनेशन रिएक्शन करा था, ठीक, रिएजेंट याद करो अच्छे से कॉपी पे लिख के, नेम रिएक्शन याद करो, समझे, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ प्रीवियस ईयर, मेरी बात मानो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने तुम्हें आइडिया तो होगा कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस करो बस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ बेटा, बहुत फायदा मिलेगा, चलो अच्छा जाओ मिलते हैं मंडे को, ठीक है, मंडे को मिलेंगे, हाँ ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, बाय 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 बाय।